हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई वेलकम यू ऑल ऑन एन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हेलो गाइस, हेलो टू ऑल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग? एवरीथिंग इज फाइन, ऑल गुड। सो गाइस, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो हम बात करेंगे क्लाइमेट की, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेट, कूल टेम्परेट साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की। गाइस, जो आपको एक ग्रीन कलर का जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वर्ल्ड में साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, ओके गाइस, तो जो हमारा ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और याद आप इसे थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लाइमेट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। हम बात करेंगे क्या ये क्लाइमेट नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में होता है, इस टाइप के क्लाइमेट को जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे किस टाइप की वेजिटेशन होती है यहाँ पर, रेनफॉल कैसी होती है, और जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं वो किस टाइप की वुड होती है, हार्ड वुड होती है, सॉफ्ट वुड होती है, किस चीज के लिए वर्क होती है, कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर ज्यादा ग्रो हो रही है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके गाइस, सो अगेन अगर मैं बात करूं, अगर आपका जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक, आई डन माई बी टेक फ्रॉम यूपीटी एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years एंड आई टॉट एंड मेंटर मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट इफ आई एम इंक्लूडिंग ऑनलाइन। वहीं पर अगर मैं बात करूं टेलीग्राम ग्रुप की, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप ज्योग्राफी _5, यहाँ पर आपको सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। वहीं पर बात करूं गाइज एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की, इसके बेनिफिट्स की, ओके, तो आपको सबसे पहले बात करूं, डेली में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगी जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। वहीं मैं बात करूं एजुकेटर्स की, इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स अवेलेबल है अन अकेडमी पर, जो आपका एक्सपीरियंस अपना सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी जो क्लास है, जो आपकी क्वालिटी है एजुकेशन की, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो। वहीं पर हम बात करेंगे गाइस कोर्सेज की, आपको फ्रॉम प्रीलिम्स अप टू इंटरव्यू एक एक कोर्सेज पूरा इंक्लूड होगा, जिसमें आपका कोई भी जरूरत नहीं होगी कहीं बाहर से पढ़ने की। आपको प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक, चाहे ऑप्शनल हो, सीसेट हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, इंक्लूडिंग आपके जो मॉक इंटरव्यू है, इंटरव्यू के आपकी प्रिपरेशन के लिए भी लेक्चर्स अवेलेबल है। वहीं पर हम बात करें गाइस अन अकेडमी का जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, उसके बारे में क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके 4 extra बेनिफिट्स है जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है। आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, और आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगी। दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन किस वे में चल रही है, प्रॉपर फीडबैक दी जाएगी कि आप सही तरीके से चीजें कर रहे हैं, कितने सब्जेक्ट को कितना करना है, कितने टाइम बाउंड मैनर में करना है। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, क्या चीजें कैसे कवर करनी है, कौन सा कंटेंट किस तरह आपको पढ़ना है। वहीं पर हम बात करें गाइस आपका जो 1 year का फीस है, उसकी फीस है 64,000 फॉर आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप कैपिटल AM10 यूज करते हो, कैपिटल AM10 कोड यूज करते हो, तो आपकी फीस हो जाएगी 57,600। वहीं पर आपका जो 2 year सब्सक्रिप्शन है, इसकी फीस है 99,000। उसके बाद अगर आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हो, तो आपकी फीस हो जाएगी 89,100। वहीं पर अगर हम बात करें प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 year की फीस है 44,000। आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हो, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फीस हो जाएगी 39,600। फॉर 2 year का जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसकी फीस है 64,000। अगर आप कैपिटल AM10, दिस इज द कोड, कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं, तो आपकी फीस हो जाएगी 57,600। सो गाइज, आपको पता है फीस हाइक होने वाली है, डेफिनेटली 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर। इफ यू आर सीरियस, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जितना जल्दी हो सके उतना ले लीजिए, बिकॉज फीस हाइक होगी, ये डेफिनेटली श्योर शॉट है। और आपकी जो फीस हाइक होने के बाद 10 से 15,000 का इंक्रीमेंट होगा, तो जितना जल्दी हो आप बेनिफिट ले सकते हैं।
अगर आप AM10 कोड यूज करते हैं तो एज अ गाइड एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा, कौन सा कंटेंट कहाँ से कवर करना है, किस तरह चीजें हमें कवर करनी है, कितना पार्ट हमें कवर करना है, ये सारी चीजें। और आप AM10 कोर्स से मेरी ही नहीं, लेट्स क्रैक UPSC CSC कैटेगरी की सारी फैकल्टीज की क्लासेस कर सकते हैं, आप सारी फैकल्टीज की क्लासेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। गाइस सॉरी, एक्चुअली कल की जो हमारी 7:30 क्लास थी वो मैं ले नहीं पाया। प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे मेरी यहाँ पर पूरी आईज ये स्वेल कर रही है और मुझे थोड़ा थ्रॉट में भी प्रॉब्लम है। काफी क्लासेस ले रहा हूँ तो कंटिन्यूअस मैं टीच कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा थ्रॉट में भी इशू आ रहा है, इस वजह से सॉरी कल की क्लास नहीं ले पाए। बट कोई इशू नहीं है, हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्रीलिम से पहले चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, तो उन चीजों को हमें कवर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या है ये, किस टाइप का क्लाइमेट है, समझने की कोशिश करना। दिस इज अर्थ। गाइस बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, यहां पर आप पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ में क्या है गाइस, आपका यहां पर ये इक्वेटर है, ठीक है। आपका जो ये इक्वेटर है, यहां पर इक्वेटर आपको शो हो रहा है, तो इस इक्वेटर से अगर आप ऊपर चलेंगे 10 डिग्री, इस इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ आपको मिलेगा हॉट वेट इक्वेटोरियल। उसके बाद आता है हमारा 10 से 30 डिग्री। यहां पर जो ये वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, यहां पे मिलेगा डेजर्ट टाइप। जो हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यहां पे मिलेगा हमारा क्या, सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है 10 से 30 डिग्री, ये हमारा मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, 30 से 45 डिग्री। यहां पर जो ये वेस्टर्न पार्ट है, यहां पे मिलेगा आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यहां पे मिलेगा आपको इस पार्ट में 30 से 40 डिग्री पे आपको किस टाइप का मिलेगा, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि स्टेपी ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, यहां पे मिलेगा आपको चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नटाल टाइप। ये अलग अलग नेम से जाना जाता है अलग अलग पार्ट में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे, जो कि है आपका कितना, यहां से 45 से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड तक, इसके वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल टाइप, यहां पे मिलेगा आपको टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कोल्ड टेम्परेट एंड साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको इस पार्ट में मिलेगा। एक बार दोबारा चीजों को देख लेते हैं, आ जाइए पीछे। हमने क्या बात की गाइस, हमने बात की 0 से 10 डिग्री आपका हॉट। तो याद रखना, यहाँ पे जो हमने क्लाइमेट पढ़ा था आपका 30 से 40 डिग्री, ये भी आपका टेम्परेट है पर ये वार्म टेम्परेट है। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई है कंपेयर टू आपका कूल टेम्परेट एरिया के। सो याद रखना, जो आपका 30 से 45 डिग्री है ये आपका वार्म टेम्परेट है, ठीक है। 30 से 45 डिग्री वार्म टेम्परेट रीजन है, और आपका उसके बाद जो 45 से 65 है ये कूल टेम्परेट रीजन है। क्या है गाइस, कूल टेम्परेट रीजन है। और इसके जो हमारा इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पढ़ेंगे सेंट्रल कॉन्टिनेंट और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब बोलोगे सर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहते हैं, बेसिकली जो ये टाइप का क्लाइमेट है वो मैक्सिमम आपका रशिया का जो साइबेरिया वाला पार्ट है वहां पे लाई करता है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ये सुडान टाइप इसलिए रखा क्योंकि जो अफ्रीका का पार्ट है वहां पर सुडान एरिया है, उस टाइप के क्लाइमेट में ये मैक्सिमम लाई करता है। इसी तरह आपका जो साइबेरिया टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये मैक्सिमम लाई करता है आपका कहां पे, आपके साइबेरिया वाले पार्ट पे। अब फटाफट एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कहां कहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको बताना है सर जो अलास्का वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका में, देखिए कहां कहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको बताना है सर नॉर्थ अमेरिका में अलास्का वाले पार्ट में, कैनेडा वाला पार्ट में, और जो लैब्राडोर वाला पार्ट है यहां पे लाई करता है, क्लियर है। ये पॉइंट आपको बताना है। उसके बाद आपसे पूछे यूरोप में कहां है, सर नदन यूरोप में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, कहां पे,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कौन सी? नॉर्वे, फिनलैंड, और बताइए कौन कौन सी है? नॉर्वे, फिनलैंड और एक तीसरी स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है? स्वीडन। ये तीन आपकी कंट्रीज हैं जो स्कैंडिनेवियन, इन कंट्रीज में आपका इस टाइप का क्लाइमेट लाई करता है। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं तो उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि हम आगे क्लासेस पे आ चुके हैं, हमारा क्लाइमेट का पार्ट खत्म होने वाला है, बट मैं इस तरह चीजों को कवर कराने की कोशिश करूंगा को आपको ये वाला क्लाइमेट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है गाइस, तो हमने क्या बात की? हमने बात की नॉर्थ अमेरिका के किस रीजन में होता है, अलास्का में, कनाडा में, जो नदन कनाडा वाला पार्ट है, प्लस आपका जो लेब्राडोर वाला पार्ट है वहां पर होगा, और आपका यहाँ पर जो यूरोप है, यूरोप में आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उसके बाद आपका नॉर्थ यूरोप और आपका साइबेरिया वाले पार्ट में ये लाई करता है। अब क्वेश्चन बनता है, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? आपसे पूछेगा बताइए वर्ल्ड में ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जो सिर्फ नदन हेमिस्फेयर में लाई करता है, सदन हेमिस्फेयर में लाई नहीं करता? आपका आंसर होना चाहिए सर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, सिर्फ नदन हेमिस्फेयर में लाई करता है। अगर हम 45 से 65 डिग्री सदन हेमिस्फेयर में जाएंगे तो इस टाइप का क्लाइमेट हमारा लाई नहीं करेगा, इस टाइप का क्लाइमेट हमारा लाई नहीं करेगा। क्लियर है? तो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है क्लाइमेट? हमारा क्लाइमेट लाई कर रहा है आपका ओनली नदन हेमिस्फेयर। अब बोलोगे सर सदन हेमिस्फेयर में क्यों नहीं लाई करता? कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने आपको पता होगा क्या पढ़ा था गाइस, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या पढ़ा था? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपको पता है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे था? हमारा इस वाले पार्ट में था, ठीक है, सदर्न चिली टिप पे था। उसके बाद आपका कहाँ था? यहाँ पे तस्मानिया में था। उसके बाद आपका कहाँ पे था? न्यूजीलैंड में था, तो इस वाले पार्ट में था। और आपको पता है कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में सदर्न हेमिस्फेयर में लैंडमास बिल्कुल भी नहीं है, इस लैटिट्यूड पे लैंडमास नहीं है, अगर है तो वो बहुत ही कम लैंडमास है, जिसकी उससे यहाँ पर वो टाइप का क्लाइमेट नहीं होता, ड्यू टू ओशनिक इफेक्ट, ज्यादा ओशनिक इफेक्ट हो जाता है। गेट इट माई पॉइंट? समझ में आया आपको यहां से? बताइए फटाफट, जो मैंने आपको पॉइंट समझाया ये पॉइंट आपको समझ में आया? हमने क्या बताया कि नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर है? अलास्का वाले पार्ट में, कनाडा, लेबराडोर। उसके बाद आपका यूरोप में कहाँ पे? स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया वाले कंट्री। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं लाई करता? बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में एक तो लैंडमास जो आपका 45 है, 45 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका लैंडमास लाई नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर जहां पर थोड़ा बहुत लैंडमास लाई करता है वहां पर लैंड इफेक्ट इतना लाई नहीं करता, ओशन इफेक्ट ज्यादा है, जिस रीजन से इस टाइप का क्लाइमेट वहां पर क्रिएट नहीं हो पाता। ओके, समझ में आ गया? तो ये पॉइंट है हमारे इसके बारे में कि हमारा किस पार्ट में कौन सा क्लाइमेट बनता है। अब एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए फटाफट, सबसे पहले हम बात करते हैं कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल साइबेरियन इज ओनली एक्सपीरियंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर वेयर द कॉन्टिनेंट विद इन हाई लैटिट्यूड हैव अ ब्रॉड वेस्ट टू ईस्ट स्प्रेड। अगर आप देखेंगे यहां पर कॉन्टिनेंट है जो उसकी जो स्प्रेड है वो काफी ब्रॉड है। अगर आप नोटिस करेंगे ये हमारा बेसिकली कहां मिलता है, ये 45 से लेके 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर पार्ट में मिलता है। कहां पे मिल रहा है बच्चे? इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलता है बेसिकली मैक्सिमम ये, ठीक है। ये कहां पे है? ये मिडिल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, और ये 45 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलेगा। क्लियर है? कहां पे मिलेगा? 65 डिग्री से लेके 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। और इसका अगर आप स्प्रेड देखेंगे तो यहां से जो वेस्टर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है ये काफी ब्रॉड स्ट्रेच है। क्या है? काफी ब्रॉड स्ट्रेच है। इसी ब्रॉड स्ट्रेच के कारण यहाँ पर इस टाइप का क्लाइमेट आपको मिलता है, ठीक है। ऑन इट्स पोलवर्ड साइड
इट मर्जेस आर्टिक टुंड्रा ऑफ कैनेडा एंड यूरेशिया एट अराउंड आर्कटिक सर्कल। अगर हम बात करें, देखिए हमने क्या बोला, अगर हम इसके नॉर्थवर्ड जाते हैं किसके, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, मिलेगा टुंड्रा टाइप और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या मिलेगा? टुंड्रा टाइप और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इसके साउथ में जाएंगे तो हमें मिलेगा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये पॉइंट याद रखने हैं आपको, किस एरिया में किस टाइप के क्लाइमेट मिलेगा। आपसे पूछेगा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द 65 और 45 लैटिट्यूड के बीच में क्या मिलेगा, आपको बताना है साइबेरियन टाइप। अब पूछ लेगा इसके नदन और सदन में बताइए। अगर आपको ये फिगर याद होगी, अगर आपको टेम्परेचर और आपको एरिया का पता होगा वहां पे किस टाइप का क्लाइमेट है, तो आप बता दोगे कि सर जो हमारा साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसके नॉर्थ में पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और उसके साउथ में स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको लाई करता है। क्लियर है ये वाला? साउथ में क्या कर रहा है? साउथ में आपका कर रहा है जो लेस सीवियर है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, साउथ में स्टेपी है, और नॉर्थ में आर्कटिक टुंड्रा यानी कि पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर किस टाइप के क्लाइमेट मिलता है, किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। यहां पे मिलती है बेसिकली आपको एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि यहां पर ग्रेट स्ट्रेच में अवेलेबल है, और ये कंटिन्यूस बेल्ट है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया वाले पार्ट ने, जो कुछ पार्ट एशिया में लाई करता है और यूरोप में, दोनों में उसमें पूरा कंटिन्यूसली कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बेल्ट आपको मिलेगी। किसकी बेल्ट मिलेगी? कॉनिफेरस फॉरेस्ट की आपको बेल्ट मिलेगी इतने पार्ट में। क्लियर है कहां कहां मिल रही है कौन सी बेल्ट? ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन कॉनिफेरस बेल्ट के जो फॉरेस्ट है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें रशियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बताइए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बैठता है कि बताइए कि जो आपकी आर्कटिक है या आपकी जो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे जो एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, जो कंटिन्यूस बेल्ट है, उसे क्या बोलते हैं बताइए, उसे क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए जल्दी से। उसे बोलते हैं हम टाइगा। क्या बोलते हैं? टाइगा फॉरेस्ट, एंड हम इसे कभी कभी बोल देते हैं टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसके ऊपर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सो टाइगा का मतलब क्या होता है बताइए? टाइगा जो टुंड्रा और टाइगा है, टाइगा का अगर मैं बात करूं रशियन लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है अनटस्ड, प्योरिटी, मतलब बिल्कुल प्योर, जो ह्यूमन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है, अनटस्ड प्योर टाइगा फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। कहां पर? साइबेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में या साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जो कि कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, किस टाइप के? टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको टाइगा फॉरेस्ट मिलेंगे। गेट इट माई पॉइंट? ये आपको समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम एक एक करके, अब चीजों को डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और मैं बता रहा हूं इस तरह चीजें ज्यादा बेटर होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट आपको बताना है सर, 45 से लेके 65 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलता ये। अब क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इस लैटिट्यूड पे आपका क्या होता है, इस लैटिट्यूड पे सदर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास नहीं है, अगर है तो बहुत कम है, वहां पर ओशनिक इफेक्ट हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि सदर्न हेमिस्फीयर में कहां पे मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर पे कहां पे मिलेगा अगर मिलेगा तो इस टाइप का क्लाइमेट। पहला पॉइंट तो है सर मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो वो हाईलैंड्स वाले एरिया में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? हाईलैंड्स वाले एरिया में मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में जो हाई एल्टीट्यूड पे है वहां पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा सर? एक तो मिलेगा सदर्न चिली में, कहां पे मिलेगा? सदर्न चिली में। और कहां पे मिलेगा सर? न्यूजीलैंड में मिलेगा। और कहां मिलेगा सर? तस्मानिया में मिलेगा। ठीक है, सदर्न चिली में मिलेगा, तस्मानिया में मिलेगा, और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। इन वाले पार्ट में आपको अगर मिलेगा तो वो भी हायर लैटिट्यूड पे मिलेगा, हायर एल्टीट्यूड पे मिलेगा, मतलब हायर हाइट पे मिलेगा, हाई लैंड्स पे मिलेगा। कहां पर? आपका ये वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? किसी भी तरीके का कोई डाउट?
मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। जो सदर्न एल्प्स वाला पार्ट है वहां पर और बहुत सारे पार्ट है, आपको उस वाले एरिया में इस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। सो याद रखना जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो नदर्न हेमिस्फेयर में, वो कहां पे होगा? नदर्न हेमिस्फेयर में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का। मैं बार बार चीजें याद करवा रहा हूं आपको अगेन एंड अगेन चीजों को, ताकि आपको माइंड में रहे। आपका नॉर्थ अमेरिका में अलास्का कैनेडा वाले पार्ट में रहेगा, ओके, और लैब्राडोर वाला पार्ट है वहां पे रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप में, यूरोप में जो हमारा नदन यूरोप है, और उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड वहां पे मिलेगा, और हमारा साइबेरियन पार्ट है जो रशिया का, वहां पे मिलेगा। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? बताइए, ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? किसी को भी कोई डाउट हो आपसे पूछे कि सर सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं मिलता, सदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कॉन्टिनेंट की नैरोनेस है, कॉन्टिनेंट नैरो है, या उस लैटिट्यूड पर लैंडमास नहीं है। अगर लैंडमास है तो बहुत नैरो लैंडमास है, ड्यू टू दिस नैरो लैंडमास वहां पे क्या होता है, वहां पे नैरो लैंडमास के कारण आपका क्या चीज हो रही है, वहां पे ओशनिक इफेक्ट आ रहा है, जिससे जो इंटरकॉन्टिनेंटलिटी टाइप ऑफ क्लाइमेट बन रहा है वो क्लियर नहीं, वो आपका क्रिएट नहीं हो रहा है। अब आपसे पूछे यहाँ पर फॉरेस्ट किस तरह मिलेंगे, आपसे पूछे यहाँ पर टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या मिलेगी, आपको बताना है सर यहाँ पे मिलेगी एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। क्या मिलेगी? एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, चाहे वो स्नोफॉल की फॉर्म में हो, कैसे भी हो, बट थ्रू आउट द ईयर होती है, इसीलिए एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें टाइगा कहते हैं हम रशियन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है प्योरिटी, जिसका मतलब होता है प्योरिटी। ये पॉइंट हमने डिस्कस करने थे और ये हमने कवर किए। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो बताइए, क्लियर है? तो ये चीजें हमारी कवर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम क्या बात कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड। अगर मैं बात करूं किसी एरिया में, तो ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड है ना कॉनिफेरस फॉरेस्ट का, वो टाइगा है, जो कि रशियन वर्ड में कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उसे रशिया में टाइगा कहते हैं, सर्बिया वाले पार्ट में, ठीक है, साइबेरिया वाले पार्ट में, सॉरी, ठीक है, साइबेरिया। यूरोप में ये क्लाइमेट और कहां पर है, नदन यूरोप, स्वीडन, फिनलैंड वाले पार्ट में मिलेगा। और आपको जो स्मॉल अमाउंट के कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो हाई एल्टीट्यूड जर्मनी में मिल जाएंगे। याद रखना कहां पे मिल रहे हैं, जर्मनी के हाई एल्टीट्यूड एरिया में। देखिए मैंने क्या बताया, आपको उस लैटिट्यूड पर क्लाइमेट नहीं होगा, बट जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, जो सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ, जहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में, न्यूजीलैंड में और सदर्न चिली में आपका इस टाइप का क्लाइमेट और इस टाइप के फॉरेस्ट मिल रहे हैं, वो हायर लैटिट्यूड पर मिल रहे हैं। कहां पर? इसी तरह नदर्न हेमिस्फीयर में जर्मनी में मिलेंगे, पोलैंड में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में। वहीं पर अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का वाले पार्ट में, उसके बाद लैब्राडोर वाले पार्ट में, और जो रॉकी माउंटेन है उसके आपका जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है वहां पे मिलेंगे, ठीक है। यही बात हमसे कही गई है कि जो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो एब्सेंट है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज जो आपका नैरोनेस है सदर्न हेमिस्फीयर में, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, अदरवाइज नैरोनेस है कॉन्टिनेंट में, जिस वजह से आपको इस टाइप का क्लाइमेट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग ओशनिक इन्फ्लुएंस आता है, जो कि आपकी सीवरिटी है ना। देखिए इस टाइप के क्लाइमेट में, कोल्ड विंटर, कोल्ड टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, यानी कि स्नोफॉल होती है, तो विंटर बहुत ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। और याद रखना यहाँ की विंटर तो बहुत ज्यादा कूल है, पर जो समर है ना वो आपका इतना कम नहीं है, समर का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है, समर भी थोड़ा ठंडा है। अगर मैं बात करूं जैसे हमने और एरिया पढ़े, और एरिया में समर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और एरिया में समर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, सॉरी, समर का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। बट इसके केस में ये कंसेप्ट नहीं है, इसके केस में यहां पर ये कंसेप्ट नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको समर का टेम्परेचर भी लो मिलेगा, यहाँ पर समर भी ठंडी रहती है, ये पॉइंट याद रखना। मतलब क्या? मतलब विंटर का टेम्परेचर तो माइनस में चला जाएगा और जो समर होगी ना उसका टेम्परेचर भी 10 और 12 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। समर का टेम्परेचर भी 10-12 डिग्री आपको मिलेगा। चिनोक है पर वहां के सेंट्रल पार्ट पे है ना, ठीक है। चिनोक आपका जो नीचे वाला लैटिट्यूड है वहां पे है, हम बात कर रहे हैं हायर लैटिट्यूड पे, हम बात कर रहे हैं हायर लैटिट्यूड 45 से 65 डिग्री पे, वहां पे चिनोक विंड नहीं है। चिनोक विंड अगर मैंने बात करी हो आपको, जो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है उस वाले पार्ट में फ्लो करती है, 30 से 45 डिग्री सेल्सियस वाले पार्ट, 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड वाले पार्ट में। और जो ये वाला टाइप का क्लाइमेट है ये हमारे नदन पार्ट में है, जो आपकी चिनोक विंड है उसके नदन पार्ट में फ्लो करता है, नदन पार्ट में लाई करता है, चिनोक सदन पार्ट में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। और हमने क्या बात की कि इस टाइप का क्लाइमेट हमारा आपका समर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा लो होता है कंपेयर टू विंटर। बट क्या है, अगर आपका लैंडमास नहीं है, नैरो रेस ऑफ द कॉन्टिनेंट है, तो क्या होगा, ना तो विंटर बहुत ज्यादा कूल हो पाएगी ना समर बहुत ज्यादा वार्म हो पाएगा, तो आपको उस टाइप का क्लाइमेट मिल ही नहीं पाएगा जो साइबेरिया टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलता है नदर हेमिस्फेयर में, कंपेयर टू सदर हेमिस्फेयर, सदर हेमिस्फेयर में नहीं मिल पाएगा। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, आज से 4 PM की जो स्पेशल क्लास है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉप 500 MCQ क्वेश्चन फॉर UPSC प्रीलिम्स के लिए या UPSC ज्योग्राफी के, हम टॉप 500 क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सारे, और उसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के, प्लस आपके सारे इंपॉर्टेंट मॉक क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा एवरी डे हम 50 क्वेश्चन के अप्रोक्स करेंगे, तो वो आज से 4 PM पे स्टार्ट हो रहा है, जो अपना टाइम नोट कर लीजिए, और 2-3 दिन के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाएगी आपकी GC लियोंग। उसके बाद हम मॉर्निंग की जो एक क्लास है यहाँ पर स्पेशल क्लास में स्टार्ट कर देंगे, क्या हम स्टार्ट कर देंगे अपना जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, और इम्पोर्टेंट एक मुझे ट्राइब्स की क्लास लेनी है, मुझे बात करनी है PVG जो हमारी PVGT ट्राइब्स होती है, जो हमारी PVTG जो ट्राइब्स होती है, कौन सी होती है, कितनी है, 75 है, कितनी है, क्या क्या कारण है कि हम उस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, उस कैटेगरी के अंदर हम इस टाइप की ट्राइब्स रखते हैं, ये क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या उनके सिस्टम्स हैं, वो सारी चीजें मैं 1 या 2 दिन के अंदर ट्राइब का भी लेक्चर लेके आना हूँ, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर कौन सी ट्राइब है, क्या लोकेशंस है, कौन सी फॉरेन ट्राइब्स अब करंट में इश्यूज में चल रही है, वो भी बात करेंगे। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और उसमें डिटेल में बात करेंगे कौन से एरिया में लाई करती है, क्या क्या इनके साथ ड्रॉबैक है, पॉपुलेशन कैसे कम हो रही है, कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइब कितनी है, तो इस तरह डिटेल में चीजें कवर करेंगे। ओके, तो मिस मत करना, हम जीसी लियो आज स्टार्ट करेंगे अपना, किस टाइम पे, 4 PM पे, जो हमारी स्पेशल क्लास होगी। आप सबसे पहले अनिरुद्ध मलिक जाके नोटिफिकेशन आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे लिंक सेंड कर देता हूं। ओके, तो हमने क्या बात की, हमने बात की यहां तक, अब हम बात कर रहे हैं साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता किस तरह है, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता क्या है, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है गाइस, यहाँ की जो विंटर होती है वो तो बहुत कोल्ड होती है, यानी कि नेगेटिव माइनस में टेम्परेचर होता है, किसमें, माइनस में टेम्परेचर होता है, ये आपको चीजें याद रखनी है, टेम्परेचर किसमें होता है, माइनस में होता है आपका, किसका, जो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे विंटर का। और जो विंटर सीजन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है, क्यों लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है, क्योंकि सन की रेस डायरेक्टली नहीं पड़ती, स्लैंटिंग पड़ती है, हायर लैटिट्यूड पे है, जिस वजह से आपका यहाँ का विंटर सीजन लॉन्ग होता है, विंटर सीजन क्या होता है, लॉन्ग होता है। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें समर सीजन की, तो समर सीजन यहाँ का हॉट नहीं होता, वो भी कूल होता है समर सीजन भी, क्यों, क्योंकि इक्वेटर से 45 से 60 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा एरिया होगा, तो यहाँ का समर सीजन भी आपका हॉट नहीं होता, कूल होता है,
क्योंकि आपको पता है सन की रेस कभी भी डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल नहीं करती, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर नहीं जाएगी तो रेस कैसी पड़ेंगी, स्लैंटिंग पड़ेंगी समर में भी, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर समर का भी कूल होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि समर का हॉट होगा या वेट होगा या आपका वार्म होगा, आपको एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, जो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ का विंटर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, माइनस में स्नो कवर्ड हो जाती है, और जो समर सीजन होता है वो यहाँ का आपका कूल होता है कंपेयर टू और एरिया का जो समर सीजन होता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पर जो स्प्रिंग और ऑटमन सीजन है वो बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड के बीच में आता है, मिडिल और ट्रांजिशन पार्ट के बीच में आता है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब आपसे बात करें, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट हाई। ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, क्यों हाइट है? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जो विंटर का टेम्परेचर है वो तो -10 डिग्री, -15 डिग्री इतना चला जाता है, -20 डिग्री, और वहीं पर समर का टेम्परेचर होता है 10 से 15 डिग्री, तो आपका जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 15 डिग्री भी है समर का टेम्परेचर, तो ये एरिया वाइज डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो क्वाइट हाई है। क्यों? क्योंकि विंटर का टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है, माइनस में पहुंच जाता है, और वहीं पर समर का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि कूल होता है, बट अगर मैं बात करूं विंटर वो बिल्कुल फ्रीजिंग हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद विद लो टेम्परेचर इन कोल्ड सीजन हैवी स्नोफॉल कैन बी एक्सपेक्टेड एंड फ्रॉस्ट अकरिंग एज अर्ली एज अगस्त। यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ना वो स्नोफॉल के टाइप में होती है, यहाँ की जो रेनफॉल होती है ना वो स्नोफॉल की टाइप में होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना लोवर है, वो लोवर टेम्परेचर उसको स्नो को जो वाटर होता है वो स्नोफॉल की फॉर्म में, जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल की फॉर्म में होता है यहाँ पे विंटर सीजन में, ये बात याद रखना। ठीक है, जैसे ही सितंबर सीजन आता है यहाँ की जितनी भी रिवर्स है रशिया की, जितने भी आपके पॉन्ड्स हैं, सब क्या हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाती है, रिवर फ्रोजन हो जाती है, और आपकी जो आपकी रिवर्स है उनके वॉटर में पूरी आइस और फ्रोजन हो जाती है, वाटर नहीं होता। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे ऐसे ही हमारा वाटर और ज्यादा फ्रोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखना साइबेरिया टाइप ऑफ क्लाइमेट में। समझ में आ गया साइबेरिया टाइप में क्या पॉइंट याद रखना है हमें? यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए किसी भी तरीके का। समझ में आया आपको? बताइए यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, प्रेसिपिटेशन कितना होता है, रेनफॉल कैसे होती है, रेनफॉल कैसे होती है यहाँ पर इंटीरियर पार्ट में, याद रखना आपको पता है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पड़ता है, तो इंटीरियर कॉन्टिनेंट के कारण यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो आपका एज सच इतना हाई नहीं होता, यहाँ की रेनफॉल इतनी हाई नहीं होती, यहाँ पे रेनफॉल 15 से 25 इंचेस के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी रेनफॉल है, देखिए आपको एक चीज पता है, यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, जो आपका साइबेरियन टाइप है वो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, तो मैरीटाइम इफेक्ट इतना नहीं होगा, ट्रेड विंड्स इतनी नहीं होगी, तो यहाँ का जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो इतना हाई नहीं होगा, 15 से 25 इंचेस के बीच में होगा, 15 से 25 इंचेस के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि जनरली 40 से 60 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है इस टाइप के क्लाइमेट में। ठीक है, आपका क्या है, आपका 40 से 60 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में, और याद रखना जो रेनफॉल है ना वो थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसा नहीं है कि एक सीजन में होगी, थ्रू आउट द ईयर आपकी रेनफॉल होती रहेगी। यहाँ पर जो समर में रेनफॉल होती है
वो कन्वेक्शनल करंट के कारण होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जो आपका कॉन्टिनेंटल है वो हीटेड हो जाता है अब तक 20 डिग्री सेल्सियस, और इसी के कारण वहां पर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट जो समर में रेनफॉल होती है वो आपका कन्वेक्शनल करंट के कारण होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण होती है। ठीक है, सो जो टोटल प्रेसिपिटेशन होता है साइबेरियन, आपको एक सिंपल सा मैं पॉइंट समझाता हूं, आज ये दोबारा देखिए, हमने क्या बात की, यहां पे जो रेनफॉल होती है वो 15 से 25 इंचेस के बीच में होती है। ठीक है, और किस फॉर्म में होती है, सर स्नोफॉल की फॉर्म में होती है। किसकी, स्नोफॉल की, और ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ईयर में होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट साइबेरिया में कितनी होगी, तो आपको बताना है सर ईस्ट साइबेरिया में 20 इंच से ज्यादा रेनफॉल होगी। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है 20 इंच से, क्योंकि जो पैसिफिक ओशियन है ना वहां से जो ट्रेड विंड्स होती हैं, पैसिफिक ओशियन से हाई लैटिट्यूड से ईस्टर्ली दोबारा ट्रेड विंड्स चलेंगी। आपको पता है हाई लैटिट्यूड पे पहले क्या था, वेस्टर्ली चल रही थी, वो तो 30 से 45 डिग्री के बीच में चल रही थी। जैसे ही हम 45 से ऊपर 65 पे जाएंगे हमारी दोबारा ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स चलेंगी, जो कि पैसिफिक ओशियन से मॉइस्चर लेके आके आपकी ईस्टर्न साइबेरिया वाले पार्ट में रेनफॉल कर देगी, और वो रेनफॉल 20 इंच से ज्यादा होगी। कितनी, 20 इंच से ज्यादा होगी, समझ में आ गया। वहीं पर जो सेंट्रल साइबेरिया है, ठीक है, वहां पर रेनफॉल 15 इंचेस या उससे लेस होगी। क्यों, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर होने के कारण वहां की रेनफॉल कम होगी, मैरीटाइम इफेक्ट कम होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेनफॉल का रीजन समझ में नहीं आया, देखिए क्या हुआ, समर में थोड़ा बहुत रेनफॉल होती है वहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्योंकि वहां का जो समर टाइम है थोड़ा बहुत हीट अप हो जाता है, तो हीट अप होने के कारण वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। दूसरा पॉइंट क्या, जो ईस्ट साइबेरियन वाला पार्ट है वहां पे जो रेनफॉल होगी वो 20 इंच से ज्यादा होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस वाले पार्ट में आपके पैसिफिक ओशियन से ट्रेड विंड्स आएगी, पैसिफिक ओशियन से ट्रेड विंड्स आएगी, तो ईस्टर्न साइबेरियन वाले पार्ट पे तो रेनफॉल हो जाएगी, पर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट जो आपका क्या होगा, वहां पे रेनफॉल कम होगी, क्योंकि वहां पर जो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेंस होगा, जिस वजह से मैरीटाइम इफेक्ट नहीं आ पाएगा, और जब मैरीटाइम इफेक्ट नहीं आ पाएगा तो वहां पे रेनफॉल कम होगी। अब समझ में आया रेनफॉल का किस्सा, कि कहां पर रेनफॉल कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, समझ में आ गया। ओके, तो हमने क्या बात की, इंटीरियर ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, मैरीटाइम इफेक्ट है नहीं, तो प्रेसिपिटेशन वहां पे हाई है नहीं। ईस्टर्न साइबेरिया पे मैरीटाइम इफेक्ट है, वहां पे रेनफॉल 20 इंच से ज्यादा हो रही है, आपकी 20 इंच से ज्यादा हो रही है। वहीं पर रेनफॉल 40 से 60 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है, वहां पर कोल्ड करंट है। पर आप एक चीज भी तो देखिए, जो कोल्ड करंट है वो वहां पर आपकी रेनफॉल विंड तो बन रही है ना, जो ईस्टर्ली विंड से कोल्ड करंट होने के कारण भी कोल्ड करंट, अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर आइए मैप में, आइए आप यहां पे देखिए, यहां वाले पार्ट पर आपका कोल्ड करंट हो गया, मान के चलिए ये वाले पार्ट पर कोल्ड करंट हो गया, इधर ही तो पार्ट पे है ओशियो क्रोशियो, ठीक है, उसके बाद इधर मिल रहे हैं दोनों कोल्ड करंट। अब एक चीज बताइए, यहां पर है साइबेरियन, तो इस वाले पार्ट में रेनफॉल हो रही है ना, ये वाला पार्ट, और यहां पर क्या चल रही है, 45 से लेके 65 के बीच में ईस्टर्ली डायरेक्शन में ट्रेड विंड चलेंगी ना दोबारा, और यहां वाले लैटिट्यूड पे चल रही है वेस्टर्लीज, ऊपर वाले लैटिट्यूड पे चल रही है ईस्टर्लीज, और ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है ये ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, ये पॉइंट है आपका साइबेरियन टाइप का। ठीक है, हमने बात की किसके बारे में, रेनफॉल के बारे में, अब हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में, रेनफॉल इंटीरियर में कम होगी, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, देखिए साइबेरियन ट्राइब का जो ये मैंने बेसिक चीजें बताई हैं आपको कि ये रीजन होते हैं, बट बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो वहां पर रेनफॉल किस अकॉर्डिंग होगी। एक तो एल्टीट्यूड है पहला, दूसरा है लैटिट्यूड,
तीसरा है प्रॉक्सिमिटी, पोल्स के कितना पास है, कितना दूर है, कितने हाई एल्टीट्यूड पे है, कौन से लैटिट्यूड पे लाई करता है, कितना एक्सपोजर है उसे, ठीक है, मतलब वेस्टर्न पार्ट पे कितना एक्सपोजर है, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट पे कितना एक्सपोजर है, और जो आपके पेनेट्रेशन है साइक्लोन्स का वो कितना है। ये सारे साइक्लोन्स भी रेनफॉल होगी और आपके ईस्टर्न मार्जिन पे तब कैसी रेनफॉल होगी, उसके बाद वेस्टर्न पार्ट है अगर वहां पर कैसी होगी, लैटिट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, प्रॉक्सिमिटी पोल्स के कितना पास है, कितना दूर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वहां पर रेनफॉल का कारण बनते हैं। और रेनफॉल याद रखना स्नोफॉल की फॉर्म में होती है। स्नोफॉल्स आर नियरली एवरीवेयर इन यूएसएसआर यानी कि रशिया कोल्ड विंटर, बट द अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अगर हम बात करें जो नदन टुंड्रा है और साइबेरियन टाइगा है, यहाँ पर ज्यादा हाई रेनफॉल होगी। जो टुंड्रा वाला पार्ट है और साइबेरियन वाला पार्ट है, वहां पर क्या होगा आपका हायर पार्ट पे होगा, जितना हम हायर होंगे स्नोफॉल की फॉर्म में, ठीक है। और वहीं पर जो एल्प्स माउंटेन है वहां पर स्नो फील्ड्स होगी, हिमालय में एब्सेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर देखिए जैसे यहाँ का जो टुंड्रा टाइप है ना, यहाँ पर स्नोफॉल परमानेंटली आपको मिलेगी। क्यों परमानेंटली मिलेगी? क्योंकि सन की रेज जा नहीं रही है ऊपर। जब सन की रेज नहीं जा रही है ना, तो क्या हो रहा है वहां पर नोटिस करोगे कि वो आपकी मेल्ट नहीं हो रही है। बट अगर हम बात करें हिमालय माउंटेन की, एल्प्स माउंटेन की, यहाँ पे जो समर सीजन आता है वहां पर समर और स्प्रिंग सीजन में वार्मनेस हीट थोड़ा बढ़ जाती है, और उसी के कारण वहां की जो आपकी स्नो फील्ड है वो परमानेंटली नहीं रहती। समर और स्प्रिंग सीजन में वहां की जो कोल्ड है, जो स्नोफॉल है, वो मेल्ट हो जाती है। किस पार्ट की? आपकी जो ये एल्प्स और हिमालय वाले पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिकली फ्रोजन रिवर्स मिल जाएंगी, और फ्रोजन रिवर मिलने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जैसे फ्रोजन रिवर है वो कभी कभी फ्रोजन से अनफ्रोजन हो जाती है, तो वहां पर ये एक्सटेंसिव फ्लड भी लेके आ जाती है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको समझना है। ये पॉइंट हमारा है, और याद रखना कि इट आल्सो प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द वेजिटेशन व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन स्प्रिंग। जब आपकी स्नो आपकी मेल्ट हो जाती है स्प्रिंग में, तो आपको मॉइस्चर देगी। आप एक चीज बताइए, आपकी स्नोफॉल है जब वो मेल्ट हो गई स्प्रिंग सीजन में, तो क्या होगा? मेल्ट होने के बाद वो सॉइल में मिक्स होगी, तो मॉइस्चर भी तो प्रोवाइड करवा रही है एक तरह का। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, कहाँ पर? यहाँ पर जो आपका साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होगी वो कॉनीफेरस टाइप की होगी, और टाइगा टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉनीफेरस ट्रीज मिलेंगे, एडेप्टेड एज द कॉनीफेरस। क्यों ऐसा है बताइए? कॉनीफेरस क्योंकि जो कॉनीफेरस शेप है, इनकी जो निडिल होती है वो कोन शेप में होती है। किस शेप में होती है? कोन शेप में होती है इनकी निडिल्स, ठीक है। इनकी निडिल्स आपकी किस शेप में होती है? कोन शेप में होती है। तो क्या होता है, कोन शेप के कारण जो स्नोफॉल होती है वो इनकी लीव्स के ऊपर कलेक्ट नहीं हो पाती, वो आपकी क्या हो जाती है, नीचे की तरफ फॉल हो जाती है। ड्यू टू दैट ये ट्रीज आपकी सस्टेन करते हैं। आपकी मेरी कोई लीव्स है, मान के चलिए कोई मेरी लीव्स है, इस लीव्स में क्या हो रहा है, आपकी स्नोफॉल आई और यहीं पर डिपॉजिट हो गई, तो ये आपके इस टाइप के प्लांट्स और लीव्स है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ की जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, एक तो वैक्सी होती है, एक लैदरी होती है, लैदरी, ठीक है, बहुत चिकनी टाइप की होती है। दूसरा क्या होता है, कोन शेप में होती है, ताकि उसके ऊपर जो स्नोफॉल है वो आपकी स्टैंड स्टिल ना रह पाए, वो नीचे सरफेस पे फ्लो कर जाए। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट है आपका स्नोफॉल से रिलेटेड, और यहाँ पर ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में बात करी है जो कि साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलेंगे, और ये आपके बहुत ही किस कंडीशन में मिलेंगे, जहां पर सीवियर कोल्ड क्लाइमेट होगा, और ये सस्टेन कर लेंगे, एडेप्ट कर लेंगे इन कंडीशंस को। कहाँ पर मिलता है? यूरेशिया के पार्ट पर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्थ यूरोप में, साइबेरिया में, नॉर्थ अमेरिका में, आपका एल्प, ये जो अलास्का है, कनाडा है, और यही रीजन है कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये सबसे रिचेस्ट है सॉफ्टवुड में, क्योंकि मैंने बताया था जैसे इक्वेटर के पास की जो कंट्रीज है वहां पर जो ट्रीज होते हैं वो बेसिकली
हार्डवुड ट्रीज होते हैं, बट यहाँ के जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, यहाँ के जो ट्रीज है ये सॉफ्ट वुड है, मतलब इनकी वुड बहुत ही सॉफ्ट होती है, पल्प बनाने के, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इसमें, जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज होती है इसमें, और आपने सुना होगा जो क्रिकेट क्रिकेट बैट्स बनते हैं, जो आपकी कश्मीरी विलो हो गई, इंग्लिश विलो हो गई, ये बहुत सॉफ्ट वुड होती है और बहुत लाइट वेट होती है। ये क्या होती है, सॉफ्ट वुड और बहुत लाइट वेट होती है। एक तो सॉफ्ट होंगी और बहुत ज्यादा लाइट होंगी, जिसके कारण आपको यहाँ पर जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं ये रिच सोर्स होते हैं सॉफ्ट वुड के। और याद रखना, वर्ल्ड का 50% न्यूज़प्रिंट अकेला कनाडा करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि वहां पर सॉफ्टवुड बहुत होती है, जो कि पल्प इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जिसके कारण वर्ल्ड का अकेला 50% जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट से आपका जो ये बनाते हैं, आपकी पेपर इंडस्ट्रीज या न्यूज प्रिंट इंडस्ट्रीज, वो कनाडा के अंदर लाई करती है, 50% ऑफ द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं किस चीज में सॉफ्टवुड यूज होता है, सॉफ्टवुड किस किस चीज में यूज होता है। आपको बताना है कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर इंडस्ट्रीज में मैच बॉक्स आते हैं, माचिस आती हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में पल्प, रेयन में और अदर केमिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, अदर केमिकल प्रोडक्ट्स में। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सॉफ्टवुड प्रोड्यूसर आर यूएसएसआर, यूएसए, कनाडा, ये कंट्रीज है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये आपकी वर्ल्ड की सबसे मेजर और ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है सॉफ्टवुड की, जिसका एग्जाम्पल है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो कि आपके कोन शेप में जिनकी डिडिल होती है। कौन से गाइस? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया। यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प में यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर है, एंड कनाडा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड 1/2 यानी कि 50% ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़प्रिंट इज अकाउंटिंग फॉर द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी कि न्यूज प्रिंट की पूरे वर्ल्ड में जो 50% प्रोडक्शन है वो कनाडा करता है, और वुड पल्प का जो मेन आपका प्रोड्यूसर है वो आपका यूएसए है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट बहुत होते हैं, और वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या करते हैं, आपका यहाँ पर वुड और सॉफ्टवुड प्रोवाइड करते हैं, और उन सॉफ्टवुड से फर्नीचर, मैचिस, पेपर, वुड पल्प और आपकी न्यूज प्रिंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब बात करते हैं कॉनिफेरस, देखिए ये है आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ये स्नो कवर्ड भी होंगे, और इनके ऊपर से स्नो है ना, ज्यादा स्नो फॉल होगी तो कलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये इस शेप में होंगे, अगर आप नोटिस कर रहे हैं। ये सारे क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है आपके, क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, जो कि आपके 45 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम बात करते हैं जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है इसके बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस एरिया में मिलते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये डिस्कस और कवर कर लेते हैं, ठीक है, ये चीजें डिस्कस और कवर कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कॉनिफोरस। जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट है बेसिकली एक यूनिफॉर्म हाइट तक होते हैं, जिनकी हाइट 100 फीट तक चली जाती है, ये 100 फीट तक हो जाते हैं और स्ट्रेट जाते हैं, बिल्कुल टॉल और स्ट्रेट। और बेसिकली ये चार ग्रुप में बांटे गए हैं, जिसमें एक है फर, एक है पाइन, एक है स्प्राउस और एक है लार्च। इन चार ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया है, जो आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। क्या कॉनिफेरस फॉरेस्ट कितने ग्रुप में डिवीजन किया गया है, चार ग्रुप में डिवीजन किया गया है इनका, एक तो फर, एक पाइन और एक स्प्राउस और एक लार्च, और इन्हें भी कलर्स के नाम पे दिया गया है। देखिए बेसिकली क्या है, आपको एक पॉइंट समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आ जाइए, आपसे पूछेगा कि कौन से फोर मेजर कॉनिफोरस फॉरेस्ट है, आपको बताना है सर फर, दूसरा क्या है पाइन, तीसरा है स्प्राउस और चौथा है लार्च। अब वो पूछ लेगा इनका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, तो आपको बताना है एक होता है व्हाइट फर, एक होता है रेड फर, ओके, और कौन सा होता है व्हाइट रेड, और एक होता है जैक फर, ये आपके डिफरेंट टाइप के फर है,
उसके बाद आपसे पूछ लेगा पाइन, आपको बता रहा है डगलस पाइन। डगलस पाइन इज एग्जांपल। और एक होता है बालसम पाइन, एक होता है बालसम पाइन। स्प्राउस और लार्च, ये आपके क्या है, आपके कॉनीफेरस फॉरेस्ट के, एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल है। किसके? कॉनीफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं कॉनीफेरस ट्रीज ग्रो अप टू इंस्टीट आउट एंड आर इन ट्रायंगुलर शेप। मतलब ये इस तरह ग्रो नहीं करते, कॉनीफेरस फॉरेस्ट कभी भी इस तरह ग्रो नहीं करेंगे, इनका जो ग्रो करेंगे ना ये इस शेप में करेंगे। किस शेप में? इस शेप में, यानी कि ट्रायंगल की शेप में। क्यों? क्योंकि एक तो अगर इस शेप में होंगे तो स्नोफॉल ज्यादा कलेक्ट हो जाएगी, स्नोफॉल आपकी कलेक्ट ना हो, एक्यूमुलेट ना हो यहाँ पर, और लिटिल ग्रिप ऑफ विंड, विंड हल्का सा आते ही इसके ऊपर की जितनी भी स्नोफॉल है वो सब वॉश अवे हो जाए, वो सब वॉश अवे हो जाए। ठीक है, देयर इज नो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लीव्स जैसे डेसिडियस ट्रीज में होती है। ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, ये आपके आपके एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट है, अपनी लीव्स को शेड नहीं करते जैसे आपके डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेम लीव्स रिमेन ऑन द ट्री एज लॉन्ग एज 5 years, 5 साल तक एक ही पत्तियां वही कंटिन्यूस चलती रहेंगी। बाय कीपिंग देयर लीव्स कॉनिफर्स कैन क्विकली बिगिन फूड प्रोडक्शन व्हेन वार्म वेदर रिटर्न्स इन स्प्रिंग। देखिए समर में क्या करते हैं, समर में तो क्या कर रहे हैं ये, समर में तो अपने आप को स्टैंड स्टिल, जैसे ही आपका विंटर में और जैसे ही समर सीजन आता है ये अपने फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं स्प्रिंग सीजन में, जो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। और इनकी जो लीव्स होती है वो निडिल और वैक्सी शेप में होती है, जिसके उससे इनके ऊपर जो मॉइस्चर लॉस हो वो कम हो पहला, और जो स्नोफॉल है वो आपकी ईजली क्या हो जाए, आपकी स्टैंड स्टिल ना रहे, ईजली आपकी एक्यूमुलेट ना हो, वो फ्लो कर जाए आपकी स्लोप के थ्रू। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि आपका जितना लेस सरफेस एरिया होगा, निडिल क्या है, निडिल शेप में, जितना लेस सरफेस एरिया होगा ऐसे ही आपका विंटर में वो ड्राई हो जाएंगी और इजली उनके ऊपर स्नोफॉल कलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में हमने बता दिया, क्या ये कोनिकल शेप में होते हैं जिससे लिटिल ग्रिप होती है विंड को, और यहाँ पर जो सॉइल होती है वो पुअर होती है। पुअर क्यों होती है, एक तो एसिडिक होती है, दूसरा इसकी सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। क्या होता है, ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। अब बोलोगे सर ह्यूमस क्यों नहीं प्रेजेंट होता, ह्यूमस इसलिए प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो डीकम्पोजिशन है वो इतनी हॉट सरफेस नहीं है, यहाँ का सरफेस बहुत ज्यादा कोल्ड है, और उस कोल्ड सरफेस के कारण यहाँ पे डीकम्पोजिशन नहीं होता कॉनीफेरस फॉरेस्ट में। यहाँ की सॉइल क्या होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, और जो इसकी लीफ है, जो ह्यूमन फॉर्मेशन होना था, वो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन के कारण, यहाँ पे लो टेम्परेचर के कारण वो डीकम्पोजिशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और उसी स्लो डीकम्पोजिशन के कारण यहाँ की जो सॉइल है उसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता, फर्टाइल नहीं होती, एसिडिक सॉइल होती है, कहाँ की, कॉनीफेरस फॉरेस्ट की। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, एसिडिक होती है। ओके गाइस, ये पॉइंट हो गया कॉनीफेरस का। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली सनलाइट नहीं होती तो आपका डिफरेंट शॉर्ट समर सीजन होता है, इसी वजह से जो आपकी अंडरग्रोथ है वो आपकी डिफर करती है। ठीक है, अंडरग्रोथ एक तो कम होती है, क्यों, देखिए जो समर सीजन है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, तो इसके जो नीचे की अंडरग्रोथ है ट्रीज के, वो नीचे की अंडरग्रोथ बहुत ही कम मिलेगी आपको कॉनीफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सिर्फ इसी लैटिट्यूड में होते हैं, 45 से 65 के लैटिट्यूड में नहीं होंगे। नहीं बच्चे, और किसी लैटिट्यूड में ही मिल जाएंगे, पर एल्टीट्यूड हायर होना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड पे होना चाहिए, माउंटेन एरिया पे होना चाहिए, वहां पे भी आपको कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना ये आपके क्या है, ये आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो माउंटेन वाला पार्ट है, हाई एल्टीट्यूड वाला पार्ट है, वहां पर भी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इंडिया में, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन वाले पार्ट में भी आपको कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है, इस रीजन से यहाँ पे कॉनीफेरस फॉरेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बोलोगे सर डेवलपमेंट,
यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में दो तीन चीजें बताता हूँ। एक तो लेस डेवलप्ड है। अब बोलोगे सर ये तो यूरोपियन कंट्रीज में आ रही है, लेस डेवलप्ड कैसे? लेस डेवलप्ड का मतलब है जो इन कंट्रीज में और पार्ट है उनके कंपेयर में ये लेस डेवलप्ड है, हमसे तो अभी भी ज्यादा डेवलप्ड है। पर कंपेयर बात करें जो कंट्रीज है जहां पर इस टाइप का क्लाइमेट मिल रहा है, उस टाइप के क्लाइमेट में वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और उसी कंट्री में दूसरे क्लाइमेट में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो अगर मैं कंपेयर करूं एक कंट्री के अंदर जहां का क्लाइमेट इतना कोल्ड नहीं है, वहां पे कंपेयर में यहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा लेस है, थोड़ा लेस है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर इतना लो है, वहां पर एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है ही नहीं। माउंटेन फॉरेस्ट में ह्यूमस होता है, समझ रहा हूं मैं, पर माउंटेन फॉरेस्ट में ह्यूमस होता है आपके इस वाले फॉरेस्ट में नहीं होता जहां पर स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर हो। वो स्नोफॉल क्या करती है, देखिए जहां पर माउंटेन फॉरेस्ट है उस माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होगा, माउंटेन फॉरेस्ट में ह्यूमस होगा, पर अगर मैं बात करूं इंडिया के माउंटेन फॉरेस्ट की जो ट्रॉपिकल एरिया में है वहां पे क्या होगा, वहां पर आपकी स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर तो होगी नहीं। और ये जो आपका स्टेपी टाइप है, सॉरी जो ये आपका साइबेरियन टाइप है, यहाँ पर क्या रीजन होगा, स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर होगी। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा ना और थ्रू आउट द ईयर लो होगा तो वो डिकम्पोजिशन नहीं होने दोगा, किसका जो लीव्स होती है उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और जब उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो आपका क्या होगा, ह्यूमस तो अपने आप बनेगा ही नहीं। ह्यूमस कब बनता है, जब आपका डिकम्पोजिशन होता है, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, वहां का टेम्परेचर तो थ्रू आउट स्नो कवर्ड है तो वहां का डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। इसीलिए जो मैंने बात की थी माउंटेन फॉरेस्ट की नहीं, मैंने बात की थी साइबेरिया टाइप ऑफ क्लाइमेट में, वहां की जो सॉइल है वहां पे ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आ गया, अब क्लियर है ये वाला पॉइंट। एक तो लेस डेवलप्ड है पहला पॉइंट, दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होती है, क्या होता है, लुम्बरिंग होता है। यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, यहाँ पे लो होने के कारण एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है, लुम्बरिंग होती है, यानी कि जो ट्रीज होते हैं सॉफ्टवुड ट्रीज उन्हें कट करके उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं आपका किस चीज में, फर्नीचर में, वुड इंडस्ट्रीज में, पल्प इंडस्ट्रीज में, आपका न्यूज प्रिंट इंडस्ट्रीज में, इन कंट्रीज में इन लुम्बरिंग वुड्स को यूज किया जाता है, ठीक है, इन वुड्स को यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, ओके। अब हम बात कर देते हैं क्या होता है। अब मान के चलिए ये मेरा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये मेरा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट का जो बॉर्डरिंग एरिया है, जो सराउंडिंग बॉर्डरिंग एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, इस सराउंडिंग बॉर्डरिंग एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसका क्या पार्ट है, देखिए आपको दो चीजें समझनी है। अगर मैं बात करूं ये मेरा साइबेरिया टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, इसका जो सराउंडिंग एरिया है ना, यहाँ पर सीरियल्स क्रॉप में क्या क्या मिलेंगी, आपको मिलेगा मेज, आपको मिलेगा बार्ले, आपको मिलेगा ओट्स और आपको मिलेगा राई। यहाँ पर ये चीजें होंगी, बार्ले, ओट्स और राई, ये आपको इस वाले पार्ट में मिलेंगे जो सराउंडिंग एरिया। अब आपसे पूछ ले कि यहाँ पर आपकी फूड क्रॉप में क्या मिलेगा, या बात करें रूट क्रॉप में क्या मिलेगा, रूट क्रॉप में क्या मिलेगा आपको बताना है, सर रूट क्रॉप में पटेटो मिलेंगे। रूट क्रॉप में क्या मिलेंगे, रूट क्रॉप में आपको पटेटो मिलेंगे जो कि इस टाइप के साइबेरिया टाइप वाले जो वेजिटेशन है इसके सराउंडिंग वाले एरिया में मिलेंगे, इसके सराउंडिंग वाले एरिया में मिलेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर होती नहीं है तो यही बात तो की है, कॉनिफेरस आर द लिमिटेड स्पीसीज विद पाइन स्प्रूस, और जो फर है ये प्रोमिनेंट है नदन फॉरेस्ट में। लार्च के बारे में भी बात की थी हमने, वार्मर साउथ के बारे में, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर मिलता है, इसी वजह से यहाँ पर मिक्स टाइप के फॉरेस्ट नहीं है। जैसे हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां पर डेसिडियस है, एवरग्रीन है, आपका मॉइस्ट है, ड्राई है, इस टाइप के मिलते हैं, बट यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं जिसके उससे यहाँ पर क्या होता है, टिम्बर जो सॉफ्ट वुड है वो कमर्शियल लेवल पे यूज होती है, ओके। और यहाँ पर जो सॉ मिल्स है, जो सॉ मिल्स है वहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट का एक्सट्रैक्शन होता है, जो सॉफ्ट वुड होती है,
सॉ मिल्स में क्या होता है, सॉफ्टवुड यूज करते हैं, उसके बाद लुम्बरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ की बहुत डेवलप्ड है, और ये वैरायटी ऑफ पर्पस में यूज होती है, न्यूज प्रिंट में होती है, फर्नीचर में होती है, इंडस्ट्रियल वर्क में होती है, और आपका अगर मैं बात करूँ वुड पल्प में होती है, ये सब चीजों में लुम्बरिंग इंडस्ट्रीज में वुड होती है। पेपर हो गया, पल्प इंडस्ट्रीज हो गया, यूएसए में कैनेडा लीडिंग एक्सपोर्टर है, क्यों, क्योंकि वहां पर सॉफ्टवुड बहुत ज्यादा होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होता है आपका, किस में, आपके इस वाले पार्ट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यहां पर जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है ये आपका यूज होता है फॉर वेरियस पर्पस, ठीक है, जिसमें सच एज मैचेस, जो आपकी मैच स्टिक्स हो गई। उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं स्वीडन है ना, ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है आपका सॉफ्टवुड का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैसे होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं, और आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन फिनलैंड और नॉर्वे, यहाँ पर आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू दैट। समझ में आ गया यहाँ तक ये वाला पॉइंट, किसी को भी कोई भी इश्यू हो अभी तक हमने जो क्लास कवर की है, लाइक शेयर करते रहिए, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। किस किस चीज में प्लाईवुड बनती है, आपको पता होगा, एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे प्लाईवुड हो गई, हार्डबोर्ड हो गया, फर्नीचर हो गए, टॉयज हो गए, प्लैंक्स हो गए, पैकेजिंग जो केसेस होते हैं उसमें ये सॉफ्टवुड यूज होती है। आपको पता होगा पहले हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था उसके साइड में हम क्या करते थे, एक फॉरेस्ट बेल्ट लगाते थे, ट्री की बेल्ट लगाते थे चारों तरफ। कौन से ट्री की लगाते थे, बेसिकली सबसे ज्यादा हम लगाते थे पॉपुलर नाम का एक ट्री है, ठीक है, पॉपुलर होता है, जो पॉपुलर होता है पॉपुलर की हम बेल्ट लगा देते थे चारों तरफ, क्यों, क्योंकि जो ये पॉपुलर होता था ना, बेसिकली इस टाइप का ट्री आपका यूज होता था प्लाईवुड में, ये प्लाईवुड के लिए बहुत काम आता था। बट क्या हुआ, चाइनीज मार्केट आ गई, ऊपर से और वुड ऐसी आ गई जो कि आपकी प्लाईवुड में यूज होने लगी, और ये आपकी और ज्यादा चीप है कंपेयर टू पॉपुलर ट्री, ये काफी सस्ती अवेलेबल होने लगी, काफी सस्ती और चीप अवेलेबल होने लगी है। चाइनीज वुड हो गई अगर मैं बात करूं, और जो आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जो वुड है ये आपकी और ज्यादा चीप हो गई है, ये काफी चीप हो गई है। इस कारण से अगर आप नोटिस करेंगे हमारे इंडिया की जो पॉपुलर की मार्केट है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले क्या होता था, लोग फ्यूचर देखते थे, मान के चलिए एग्जाम्पल की बात नहीं है, सच में एक एग्जाम्पल देता हूँ, लोग क्या करते थे अपने फॉरेस्ट के तरफ चारों तरफ पॉपुलर के ट्रीज लगा दिए, और ऐसा बोला जाता था कि घर में कोई भी लड़की होगी जब उसकी मैरिज करनी होगी तो इन पॉपुलर के ट्रीज को कट कर देंगे, और ये आफ्टर 5-10 to 15 ईयर्स में इनकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि उसकी मैरिज आराम से हो जाएगी। तो काफी अच्छी खासी कॉस्ट मिलती थी क्योंकि इसकी प्लाईवुड्स बनते थे। बट अब क्या होने लगा, अब सॉफ्टवुड आने लगी और वो काफी चीप रेट में आने लगी, और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत कम हो गई। पहले एक एक पॉपुलर का ट्री आपका 10,000, 7,000, 5,000 की कॉस्ट तक जाने लगा था, बट अब उसकी कॉस्ट 500, 600, 1,000, क्यों, और उसे लगता टाइम कितना है, 10 years, 15 years, इतना टाइम लगता है ग्रो करने में, तो आपका उसमें कोई भी प्रोडक्टिव आपके लिए कॉस्ट नहीं आ रही है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे फार्मर्स ने इसे चेंज करके दूसरे ट्रीज को लगाना स्टार्ट कर दिया है जो फॉरेस्ट बेल्ट है। तो ये वाला इश्यूज हमारे सामने आया है कि जो सॉफ्टवुड है इंटरनेशनल मार्केट की, उसने हमारा जो पॉपुलर है इसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीप रेट में ये अवेलेबल हो जाती है। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? इतनी कम इसलिए हो गई है, पहले ये काम आती थी आपके, अगर मैं बात करूं प्लाईवुड्स में, फर्नीचर्स में, इन चीजों में यूज होती थी, बट क्या हुआ ये आपकी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, अब ये जो इससे भी ज्यादा चीप मार्केट में आने लगी है। अब मैं बात करूं आपको ऐसी प्लाईवुड्स आने लगी है जो आपकी पेस्ट फ्री, अगर मैं बात करूं दीमक होती है वो जो लग जाती है, वो सब चीज आपकी इस तरह लेयर में बनने लगी है कि आपकी उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चीप हो जाती है। अब कॉस्ट चीप हो गई तो मार्केट में डिमांड खत्म हो गई, जब मार्केट में डिमांड खत्म हो गई तो क्या होगा, आपकी चीजें खत्म हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ही नहीं रहेगी। एक चीज बताइए, जब कोई चीज है उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, आपको एक सिंपल सी बात करूं, जो चीजें जितनी ज्यादा अवेलेबल होगी ना
उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होती चली जाएगी, और जो चीजें आपकी ज्यादा अवेलेबल होंगी वो कम, और जो कम होंगी उसकी कॉस्ट ज्यादा है। और एक चीज और बताइए, मेरे पास एक चीज है उसकी कॉस्ट कम ज्यादा का तो डिफरेंट चीज है, उससे सस्ती कोई चीज मिल रही है। अब मैं बात करता हूं आपको दो चीजों की। हमारे पास कैंट का आरओ है, ठीक है, आपका हमारे पास कैंट का आरओ है, और एक आरओ दूसरा भी है। तो क्या होता है अगर मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस समझाऊं, देखिए मैं थोड़ा सा इन चीजों में भी रिलेट करता हूं, जस्ट गिव मी वन मिनट। एक मिनट में अभी सॉरी डियर, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्लाईवुड के बारे में। तो हमारी जो प्लाईवुड है इसके बारे में हमने चीजें कवर कर ली, ठीक है। और किस चीज में यूज होता है, जो ये सॉफ्टवुड है ना, ये आपका, हाँ ये बेसिकली सांगवान सीसम, ये आपका और चीजें यूज होने लगी है। पर ये जो आपका पीरियड है ना इन चीजों का, जो आपका डेवलपिंग है, ये जो ट्रीज बता रहे हो ये काफी लॉन्ग टाइम में, इनकी ग्रोथ स्लो है कंपेयर टू जो पॉपुलर ट्री होता है, इसके कंपेयर में इसकी ग्रोथ स्लो है थोड़ा सा, ठीक है। और ये सॉफ्टवुड ट्रीज किस चीज में यूज होते हैं, केमिकल प्रोसेस में यूज होते हैं, डाइज में यूज होते हैं, वुड एल्कोहल में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी ये जो आपके वुड्स है ना सॉफ्टवुड, ये यूज होते हैं, और यहाँ के जो ट्रीज है उनका यूज होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं आगे की, जो ट्रैपिंग फॉर फर बियरिंग एनिमल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की हमने, क्या क्या बात की हमने, बात की सबसे पहले बात की कि हमने देखे क्या क्या चीजें बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जस्ट आप मुझे एक चीज बताइए, सिंपल सा कंसेप्ट हमने बात की कि एक तो यहां पर एग्रीकल्चर नहीं होती, दूसरा लुम्बरिंग एक्टिविटीज बहुत होती है, तीसरा हमने क्या बताया यहाँ पे उसके बाद लेस डेवलप्ड एरिया है, ये चीजें हमने कवर की। उसके बाद हमने क्या बताया यहाँ पे होती है ट्रैपिंग फॉर फर बियरिंग, मतलब क्या होता है जो फर बियरिंग एनिमल्स होते हैं ना, जिनके पास फर होती है, ये क्या करते हैं उन्हें ट्रैप करते हैं और उनकी फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने से इंटरनेशनल मार्केट में वो जो उनकी फर होती है ना वो बहुत ज्यादा वार्म होती है, गर्म होती है। इसी रीजन से क्या है, जब ये फर इतनी गर्म होती है इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जो ठंडे एरिया है वहां पर लोग इसके बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस देने को तैयार है। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर आपके जो फर एक्सट्रैक्टिंग है, फर बियरिंग एनिमल है, उसे ट्रैप किया जाता है और ये चीजें आपकी की जाती है। उसके बाद हमने बताया जो साइबेरियन पार्ट है उसका जो बॉर्डर्ड एरिया है, जो स्टेपी के पास वाला एरिया है, वहां पर सीरियल्स क्रॉप ग्रो होती है, बार्ले, ओट्स, राई, और रूट क्रॉप्स कौन सी होती है, पटेटो। ये लोकल नीड्स के लिए बेसिकली ग्रो होती है, किस चीज के लिए, लोकल नीड्स के लिए ग्रो होती है। यहाँ पर लुम्बरिंग होती है जो बहुत ही प्रॉपरली आपकी प्रॉबली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, तो लुम्बरिंग एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैंने मिल्स के बारे में बताया था, जहाँ पर स्वयं मिल्स, टिम्बर का काम, प्लाईवुड, प्लाक्स और हार्डवुड से ये चीजें आपकी क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पर टिम्बर इज पल्ड बाय बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल मीन्स, यहाँ पर जो टिम्बर है वो केमिकल प्रोसेस से भी और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों से आपकी प्रोड्यूस होती है। वुड पल्प जो आपकी यूज होती है वो आपका रॉ होता है पेपर मेकिंग का, जो वुड पल्प होती है ना ट्रीज की, सॉफ्ट वुड की, वो रॉ हो गया हमारा किसका, ट्री का, उससे हमारे जो पेपर मेकिंग या न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है, और 50% पूरे वर्ल्ड की न्यूज प्रिंट आपकी अकेला कनाडा करता है, और ग्रेटेस्ट कौन कौन करता है, रशिया, यूएसए और आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, प्लस आपका कौन, आपका कनाडा, ये आपका बेस करता है, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट आपको। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसमें जो कॉनिफेरस है ना वो लिमिटेड स्पीसीज है, हम बात कर चुके हैं, पाइन, स्प्राउस, फर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सॉफ्ट वुड है, ठीक है। और ऊपर से अगर मैं बात करूं लार्च की, लार्च आपका ये बेसिकली जो हमारा सदर्न पार्ट है, ये जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाओगे कोल्ड होता चला जाएगा, साउथ में थोड़ा वार्मर है, वहां पर मिलता है ये, ठीक है, ओके। और ये भी होमोजीनियस है,
ठीक है, जो आपका लार्च है ना, ये होमोजीनियस है, अकेला है, ऐसा नहीं है कि मिक्स फॉरेस्ट के बीच में लार्च मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एवरग्रीन भी मिल जाएंगे, डेसिडियस भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, इस टाइप के फॉरेस्ट नहीं है। लार्च आपका सदर्न पार्ट में, आप क्वेश्चन कैसे मिलेगा, जो लार्ज फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको बताना है सर सदर्न पार्ट में मिलेगा, जो हमारा साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पर। ठीक है, इसी तरह जो नदन पॉइंट है वहां पर आपको पता है एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है, लुम्बरिंग वहां पर होती है जो कि आपके फॉर्म के कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में की जाती है। ठीक है, उसी तरह आपको ये पता है कि आपका 9 मंथ तक जो रिवर होती है रशिया की वो फ्रोजन रहती है, क्योंकि यहाँ का विंटर लॉन्ग होता है और समर क्या होता है, शॉर्ट होता है। समर शॉर्ट होने के कारण आपका यहाँ पे जो एरिया है ये आपका इस तरह डिफाइन है, ग्रेटर होता है आपका कहाँ पर, जैसे जैसे आप पोल की तरफ चलते जाओगे, आर्कटिक ओशियन की तरफ बढ़ते जाओगे, जो रशिया के पार्ट की रिवर्स है वो बेसिकली 9 मंथ्स या 10 मंथ्स तक तो फ्रोजन रहती है, उसके बाद 2-3 मंथ्स तक वाटर होता है, क्योंकि समर का टेम्परेचर में थोड़ा बहुत मेल्ट करती है और विंटर में तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिस कारण से उनमें क्या होता है आपकी रिवर के अंदर आपकी फ्रोजन हो जाती है और कोई भी वहां पर वाटर फ्लो नहीं करता, समर में थोड़ा बहुत फ्लो करता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे हमने चीजें डिस्कस की हैं, अब हम आपके कवर करेंगे कंसेप्ट्स को या चीजों को जो समझने हैं, जो आपको डाउट है वो बताइए, किसको क्या क्या डाउट है। सबसे पहले मुझे डाउट्स बताइए आप, किसी को जो भी डाउट है हम डाउट करेंगे अच्छे से, ये चीज बिल्कुल परेशान छोड़ दीजिए कि हमें चीजें समझ नहीं आई कैसे करना है। सबसे पहले डाउट कीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आपको जल्दी बताइए, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो। कम ऑन फास्ट, बताइए जल्दी। हाँ, यहाँ पर जो ट्री की ग्रोथ है ना वो थोड़ा लेट होती है, बट यहाँ पर जो ये फाइन पाइन और स्प्राउस के ट्री है ना, इनकी ग्रोथ कंपेयर टू थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ की जो ग्रोथ है वो फिर भी थोड़ा ज्यादा होती है, और ये क्या करते हैं कि बिल्कुल जो हमारी नीचे की आपकी रूट्स होती है ना वहां से कट नहीं, ये क्या करते हैं चीजों को, मान के चलिए ट्रीज है तो उसे इस हाइट का या इस हाइट का छोड़ देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो जाए। ठीक है, ये चीज होती है। यूपीएससी ज्योग्राफी बुक्स के बारे में अगर हम बात करें, यूपीएससी में ज्योग्राफी के लिए देखिए एनसीईआरटी मस्ट है। अब मैं आपको पता है मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं कुछ बताना ही नहीं चाहता, मैं समझा समझा के थक गया हूँ सर, मैंने खुल्लर खरीद लिया, मैंने माजिद हुसैन खरीद लिया, सर पेपर है 4 अक्टूबर को, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाई है मैंने, जीसी लियोंग पढ़ाई है, मैपिंग सीरीज करवाई है, ठीक है, ये चीजें मैंने करवाई है। ठीक है, उसके बाद मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आज 4 PM से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जैसे ट्राइब्स के बारे में इंडिया के, उसके बाद इंडिया का जो IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अपेंडिक्स क्या होता है, शेड्यूल, ये चीजें, और इन्हीं से आप क्वेश्चन देखना 4 अक्टूबर को, प्रूफ के साथ हम चीजें डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए। आप ये चीज देखिए सर, एनसीईआरटी कर लीजिए 6 से लेके 12 तक की, जीसी लियोंग कर लीजिए कंप्लीट, और उसके बाद मेरी मैपिंग सीरीज कर लीजिए, और कुछ मैपिंग सीरीज है उसे एड ऑन कर दूंगा मैं। ठीक है, जो ओशियो क्रोशियो करंट है ना, बेसिकली एक वार्म है और एक कोल्ड करंट है जो कि जापान कोस्ट के पास मिलते हैं। तो दीपेश का पूछना ये था कि सर वहां पर करंट है तो वहां पर रेनफॉल कैसे हो जाएगी कोल्ड करंट के कारण, बट हमने बात की जो ईस्ट साइबेरिया वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर है जापान के, तो वहां पर जो ईस्टर्ली विंड चलती है हाई लैटिट्यूड्स पे, उस रीजन से वहां पर आपका रेनफॉल होती है। मैंने पूरी आपकी पता है क्या है, जो 11th तक की एनसीईआरटी है 6 से लेके 11th की, वो एक प्लेलिस्ट में है, और सेपरेट प्लेलिस्ट है 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी की, और सेपरेट प्लेलिस्ट है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले पार्ट की, सेपरेट है, आप सर्च करेंगे मेरे नाम डाल के तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके गाइस, तो 4 PM की जो क्लास है मिस मत करना, मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगा, तो उसे अच्छे से चीजें करनी है। ओके गाइस, गाइस ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं 4 PM पे सारा कोर्स।